आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं उनके जीवन का फलसफा क्या है। पहली बात वो कहते हैं, काम करने वाले व्यक्ति को काम की कमी नहीं। और दूसरी बात है, जो बड़ी बात है, कहते हैं कि चलने वाले व्यक्ति को भी मंजिल मिलती है। यदि आप चलते रहेंगे तो आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, लेकिन आप मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं लीडर्स टॉक। इस कार्यक्रम में आज हम जिनको लेकर आ रहे हैं उनका नाम है सुदर्शन लाल शर्मा जी। और सुदर्शन लाल जी स्काई वेज ग्रुप के चेयरमैन हैं। इनकी कंपनी इंडिया में उनकी 32 ब्रांचेस हैं, विदेशों में अगर हम बात करें तो 7 देशों में उनकी ब्रांचेस हैं। और उनका जो टीम साइज है लगभग 950 लोगों की टीम है जो उनके साथ काम करती है। आज मैं इनसे जब पहली बार जब मिला तो सबसे जो इंस्पायरिंग था वो उनकी एज, उनकी उम्र, और उनकी उम्र के मुताबिक उनकी जो फिजिक थी वो आपस में मैच नहीं कर रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि उनकी उम्र कितनी है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि शर्मा जी की क्या उम्र होगी। और आखिरी में मैं कहीं बीच में बता जरूर दूंगा, ये राज खोल दूंगा। तो आज हम मिलते हैं सुदर्शन लाल शर्मा जी से और समझते हैं कि उन्होंने कैसे शुरुआत करी, कैसे आगे बढ़े और कैसे राशन की दुकान पे अपने पिताजी के साथ बैठने वाला बच्चा आज मल्टीनेशनल कंपनी का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाया। सुदर्शन लाल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सुदर्शन लाल जी, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि राशन की दुकान से शुरुआत हुई आपकी करियर की, एक तरह से पिताजी के साथ आप बैठते थे बताया आपने, यहाँ तक पहुँचने का सफर कैसे शुरू हुआ, कैसे आप इस बिजनेस में आए? सबसे जो मुख्य बात जो राशन की दुकान पे बैठने की थी,